कुश्ती के तमाम महान दिग्गज पहुंच चुके हैं एक बार फिर से जंतर मंतर पर। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि किस तरह से विनेश फोगाट हो या फिर अन्य खिलाड़ी हो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और यहाँ तक कि जो महिला खिलाड़ी है कुश्ती की उनके साथ मोलेस्टेशन किया गया, छेड़खानी की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। यही वजह है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर CRPF की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ये जो यंगस्टर हैं, जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, जो अभी खेलते हैं और देश के लिए बड़ा नाम रोशन करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, इन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है। और बड़ी संख्या में अपील की गई है तमाम जो प्रोटेस्टर हैं यहाँ पर, चाहे वो विनेश फोगाट की बात की जाए, चाहे आपको तस्वीरों में नज़र आ जाएंगे बजरंग पुनिया सामने की तरफ बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपको विनेश फोगाट नज़र आ जाएंगी, साक्षी मलिक नज़र आ जाएंगी। ये सभी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कल 12 बजे के करीब में यहाँ पर धरना प्रदर्शन की शुरुआत की थी। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला और यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए गए कि किस तरह से खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, खासतौर पर विनेश फोगाट जो काले जैकेट में आपको नजर आ रही हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी इस तरह से की गई कि लखनऊ में जब कैंप था तो वहाँ पर भी महिला जो खिलाड़ी थी उनके साथ जो अलग अलग कोचेस थे और जो एसोसिएशन से जुड़े लोग थे उन्होंने उनके साथ मोलेस्टेशन किया। कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया की तैनाती भी है। आप देख सकते हैं मीडिया के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग हिस्सों से आए हुए तमाम जो कुश्ती के जो चैंपियंस हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि आज का ये प्रोटेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों की यही मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देना चाहिए उनको, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह ने पूरे टेक ओवर कुश्ती संघ को किया और अपने इशारे पर कुश्ती संघ को चलाया और खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया। वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में ये साफ तौर पे कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। अगर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो सिद्ध होते हैं तो वो फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हैं। वैसे में देखना होगा कि आखिर खेल मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है, क्योंकि खिलाड़ियों का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं और उन्हीं के सामने जाकर वो तमाम वो सबूत और साक्ष्य भी रखेंगे जिससे कि इस पूरे जो आरोप लगाएंगे उसका भंडाफोड़ हो सके और सख्त से सख्त सजा ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिलाई जा सके। अब देखना होगा कि आज अभी बैठे हैं जो यहाँ पर खिलाड़ी, एक घंटे का इन्होंने मौन रखा हुआ है, मौन के बाद क्या कुछ मीडिया के सामने एक बार फिर से अपनी बातों को रखते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।